और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत सचिवों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत सचिवों को अब सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं देने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। साथ ही रिटायरमेंट होने पर 3 लाख रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। बता दें कि भोपाल के लाल परेड मैदान में गुरुवार को पंचायत सचिवों के सम्मेलन आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सरकार से खफा चल रहे पंचायत सचिवों की नाराजगी दूर करने के लिए कई घोषणाएं की गई है। मुझे कई लोगों ने कहा है कि कर्मचारियों को वेतन मिलने की तारीख तय नहीं है। अब अगर वेतन ना मिले तो कोई काम क्या करेगा, और इसलिए ये सुनिश्चित करेंगे कि 1 तारीख को आपका वेतन निश्चित तौर पर आपको मिल जाए। पंचायत सचिव मित्रों, आप सबको सातवें वेतनमान का लाभ तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा। और इसके साथ पंचायत सचिवों को समयमान वेतनमान भी दिया जाएगा। भगवान ना करे, लेकिन कई बार असमय काल के गाल में हमारे साथी चले जाते हैं। ऐसे में भगवान ना करे कभी इसकी जरूरत पड़े, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो पंचायत सचिव की मृत्यु पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाएगी। उसके नियम अत्यंत सरल कर दिए जाएंगे। पंचायत सचिवों को सेवानिवृत्त होने पर 1 मुश्त 3 लाख रुपए की राशि देने का काम किया जाएगा। पीसीओ के पदों पर नियुक्ति के समय 50% आरक्षण ग्राम पंचायत सचिवों को दिया जाएगा। पंचायत सचिव मित्रों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा योजना वो भी किया जाएगा।